बड़ा बड़ा पहाड़ी झगड़ा देखना, और जिससे हम पकाए जाए खाए पत्थर पाए जाते हैं जो पाया देंगे, जिसे आप कच्चे भी खा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आप लोगों को प्यारे से गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। सो गाइस, सावन का है तीसरा सोमवार और आज है मेरा फास्ट। घर पे भगवान जी का पूजा हो गया है और अभी हम चलेंगे भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये रहे हमारे भोलेनाथ जी मंदिर। तो गाइस, घर पे पूजा हो गया है, अब हम चलेंगे मंदिर, क्योंकि सबसे पहले मैं घर का पूजा करती हूँ फिर मंदिर जाती हूँ। तो गाइस, चलते हैं मंदिर, पहले पूजा करके आते हैं। आरुष, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। आरुष तो आज स्कूल नहीं गया। प्लीज फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट। क्योंकि मेरे को सुपर बाइक देखनी थी। सुपर बाइक? हाँ, वो देखो पोस्टर में। ऐसे नहीं, आप गए हो। चलो, आपका बारिश ज्यादा हुई है, इसलिए छोटे बच्चे लोग को आज छुट्टी दी गई है, इसके लिए आप नहीं गए हो, नहीं तो आप स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल सबको जाना पड़ता है। समझ गए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसके लिए टीचर छुट्टी, छोटे छोटे बच्चे लोग को छुट्टी दिया है। अभी हम चलेंगे मंदिर। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। पूरब के पापा गए हैं प्रसाद लेने के लिए। और गाइस, आपको एक चीज बताऊं, ऐसे ऐसे सुबानी आ गई है, ऐसे लग रहा है हम लोग ठंडी में। छोटा नहीं मिला? नहीं तो छोटा था। चलो मंदिर चलो। इसको भी दिखाऊं? चलो, हम लोग का पूजा हो गया। भूख लग गई। अब आरुष को लग गई है भूख। पूजा तो हो गया, अब आरुष और उनके पापा करने जा रहे हैं पेट पूजा इडली खाने के लिए। सुबह सुबह अगर घर से बाहर निकल गए ये लोग ना, इन लोगों को भूख लग जाती है और बिना खाए ये लोग घर नहीं जाने वाले हैं। तो आरुष बोल रहा है, मम्मी बहुत भूख लगी है, मुझे प्लीज कुछ खिला दो ना। तो उसके पापा लेके गए हैं, वो लोग नाश्ता कर लेंगे फिर हम लोग घर चलेंगे। आरुष और उनके पापा नाश्ता कर लेते और हम घर के लिए निकल जाते। और मैं आज दिखाऊंगी आरुष के पापा और उनके फ्रेंड की ब्लॉगिंग। सो गाइस, आप लोग एंजॉय करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा देखना, पानी क्रॉस करना है आगे से। अभी वो क्रॉस करना है, कैसे करेंगे वो देखना। मिनी वाटरफॉल। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बहुत ही खतरनाक जगह में जा रहे हैं, बीहड़ में। बीहड़ में देख सकते हैं कि पानी कितना ही साफ और सुंदर दिख रहा है। और इसी तरह खतरों से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएंगे कि ऐसे सफर में किस तरह से इस तरीके के पत्थर पाए जाते हैं, जी पाया देंगे, जिसे आप कच्चे भी खा सकते हैं। हाँ। और नहीं खाने में बहुत ही कड़वा होता है, ये आपको सस्टेन करने के लिए शक्ति देगा। हाँ, और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हरे हरे घास है उसे भी खा के जीवित रह जा सकते हैं। जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है, अगर पेट खराब हो गया तो खा सकते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह आगे बढ़ते रहना पड़ेगा ताकि रात से पहले हम पहुंच जाएं। बिहारी बियर गिफ्ट में अभी हम लोग चढ़ेंगे उस पर्वत पे, जो आप देख सकते हैं उस पर्वत पे, वहाँ पे हमारी मंजिल है। किस तरह से फतेह करेंगे वो पता नहीं है अभी, बट करेंगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे ऊपर चढ़ने की।
तो गाइस आप लोग देखे कि पूरब के पापा और उनके फ्रेंड कितना मस्ती कर रहे थे और ब्लॉगिंग कर रहे थे और बहुत सुंदर ब्लॉगिंग किए थे। और ये बोले थे कि अभी हम मैं जा रहा हूँ, देख के आऊँगा, फिर एक बार टाइम निकाल के बच्चे और तुमको लेके जाऊँगा, देखती हूँ कब वो दिन आता है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।